भाई मैं इतने स्ट्रेस में आ गया था ना, मन कर अभी मैं छलांग मार। तो गाइस यहाँ पर होगी हल्की हल्की सुबह, पंजाब की ना सुबह की बात ही निराली है। हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस अभी बजे हैं दिन के 12:44 हुए हैं और यहाँ हमारा छोटा सा रेडी बैग है रेडी। ये वैसे मेरा जिम बैग है, मैं जब छोटी मोटी राइडिंग पे जाता हूँ तो मैं ये लेके जाता हूँ। साथ में मैंने पानी बॉटल ले लिया है और एक लिमका की बॉटल है, मेरे राइडिंग ग्लव्स, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन से मेरा जो टमी है थोड़ी अपसेट है, तो बाहर से खाना पीना हो सके तो अवॉइड करूंगा, तो इसलिए पानी ले लिया, क्योंकि पानी सब तरह पेट खराब करता है, अगर पानी खराब हो तो जब तक पेट जल्दी खराब होता है। सो गाइस हम जा रहे हैं, पटियाला जाना कहीं और था बट हम जा रहे हैं पटियाला, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हम चलते चलते बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। सो गाइस निकलते हैं यहाँ से, करते हैं लाइट को बंद, ऊपर पंखा चल रहा, पंखे को भी करते हैं बंद। हमारी बुलेट की चाबी कहाँ, ये रही हमारी बुलेट की चाबी, ये रहा हमारा वाइजर, ये रही हमारी बुलेट राजा, राजा या रानी, राजा ही कहते हैं हम तो बुलेट राजा। इसका लॉक खोलते हैं पहले, कहाँ से हुई टायर लॉक, खुल जा भाई खुल गया। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं, पानीपत पार कर चुके हैं और अब व्लॉग शूट करना शुरू करा मैंने। दिल्ली से मैंने चला था, मैं सोचा कोई खेत में दिखेंगे, कॉन्क्रीट का जंगल था, मेरा मन ही नहीं करा शूट करने का। मैंने कहा जहाँ से ग्रीनरी होगी वहाँ से शूट करना शुरू करेंगे। पानीपत पार करा, पानीपत 10 किलोमीटर के आगे भी 10 किलोमीटर आगे बाद ग्रीनरी शुरू हुई है, तो मैंने अब शुरू करा है। मैं कहा दिल्ली में अगर बिल्डिंग ये दिखानी है तो दिल्ली में शूट कर लेता, इसलिए मैंने करा ही नहीं, तो अब यहाँ से शूट करना। थोड़ा सा मैं सर्विस रोड पे आ गया था क्योंकि यार बड़ी ना गर्मी है, पेड़ है नहीं ना, शुक्र मैं स्लीव्स पहन के आया था, नहीं तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। पिछली बार आया था बिना स्लीव्स के तो ब्लैक एंड वाइट हो गया था। पेड़ है नहीं, पेड़ सारे नीचे हैं, पेड़ सारे काट दिए उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर। अभी हमने जाना है और 160 किलोमीटर और जाना है अभी, और अभी टाइम भी हो गया ज़्यादा, 4:07 हो गए, मतलब कि आराम से 7-8 बजेंगे मेरे को पहुँचते। भाई मैं लॉन्ग राइड पे निकलता ना, मैं भाग के नहीं जाता, मेरा बड़ा वो है कि मैं आराम से चलाता हूँ। और एक अभी मैं चला अपने जो बुलेट है ना चला रहा हूँ, अपनी लेफ्ट साइड रोड चला रहा हूँ, बीच में नहीं चला रहा है। 60 की स्पीड होगी मेरी, 50-60 की स्पीड है बस मेरी, आई थिंक आपको दिख रही नहीं दिख रही। ठेका भाई, ठेके हमारे कोई काम नहीं है। अब आएगा करनाल, करनाल के बाद शायद कुरुक्षेत्र आएगा, उसके बाद शायद पटियाला आएगा। भाई कितना रोड ला रखा है, पूरा ट्रैक्टर ही बैंड हुआ पड़ा है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अम्बाला। अम्बाला से पहले ना मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे को लगी है भूख। यहाँ से चलते हैं नीचे वापस। आगे ट्राला आ रहा है, हल्का सा रॉन्ग साइड जाना है, बड़ी गलत बात है। ये बंद खा के ना, इसको ये छोले कुलचा कहते हैं, वहाँ सामने आइसक्रीम ट्रक खड़ा है, फिर आइसक्रीम है ही चल के। पंजाब के आइसक्रीम की बात ही अलग होती है। तो गाइस ये रहा हमारा मिल्क बादाम, अगर दिल्ली में होना तो ये कम से कम नहीं तो ना गिलास 100-150 रुपए का, यहाँ पता कितने का, सिर्फ 40 रुपीज का। अब खा के देखते हैं तो शूट करूँ या खाऊँ, वही खाता बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। लो जी होगी अपनी पेट पूजा, अब आगे का सफ़र करते हैं।
अब दो तीन तीन चार घंटे कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्गर भी खा लिया, सॉरी छोले कुलचे भी खा लिए और पेप्सी भी, आइसक्रीम भी खा ली। आइसक्रीम टेस्टी थी मगर मैं बताऊंगा नहीं ये कहाँ पर है। भैया भैया फ्रॉडिया था साला, मैं वो कहता है भैया 40 रुपये गिलास है, बाद में 60 रुपये ले गया। मैंने कहा क्यों, कहता है आपने बड़ा गिलास पिया, बड़ा गिलास खाया है। मैं कहा यार तूने बताना था ना पहले, कहता नहीं मैंने सोचा ये। मैंने कहा यार तू तो फ्रॉडिया निकला। मैं कहा बात जा तेरे बताऊंगा नहीं तू कहाँ पर है। अभी हमें यहाँ से जाना है कम से कम 70 किलोमीटर और भाई, तो बड़ी तगड़ी ने रैकी है मेरी। अभी 70 किलोमीटर जाना है और मैं कम से कम पहुँचूँगा, अभी टाइम कितना हो गया, 6:12 हुए हैं, तो मैं पहुँचूँगा कम से कम 8-9 बजे। हम आ गए हैं, गलत, हमने वापस जाना है। यहाँ से हमें पड़ेगा कम से कम 15-20 किलोमीटर लंबा, पीछे से है शॉर्टकट, तो यहाँ से चलते हैं वापस। अगर बंदे का रास्ता पता ना बंदे थोड़ा पूछ लेता, मेरे को पता था रास्ता, बट ये कि मेरे को ये नहीं पता यार शॉर्टकट भी है एक, तो हम चलेंगे शॉर्टकट से, वो मैं 15-20 किलोमीटर का छोटा पड़ेगा। और तेरे पीछे की कहानी आग कहानी है, उसको ठीक करा ले, इंडिकेटर देता रहा पीछे भी तो चलना चाहिए, आगे वाले को पीछे लगा आगे थोड़ी दिखेगा। हाँ ये रहा पुल, मगर वहां से वहां बोर्ड भी तो लगना चाहिए यार, कितने नलायक बंदे बोर्ड नहीं लगा रखा। ये रहा पटियाला सीधा लिखा हुआ, चलो। हम पटियाला तो गए, पटियाला करने गए हैं, हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब। ये सारी मेहरबानी है यूट्यूब की, यूट्यूब ने इनकी पॉलिसी है कि देखो मेरा वॉच टाइम, मेरा जो सब्सक्राइबर थे ना वो 4-5 महीने पहले पूरे हो चुके थे, 1000 से हो चुके थे, और वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला था, बट यूट्यूब की पॉलिसी है कि 1 साल के बाद वॉच टाइम काटता है। ये गलत बात है, जो बंद इनको पॉलिसी अलग अलग रखनी चाहिए। जो डेली व्लॉग डालता है चलो उसको टाइम लग रहा है, उसका व्यूज़ इतने नहीं आ पा रहे, पर वो डेली डालता है उसके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए। जो हफ्ते दो हफ्ते में चलने के लिए अलग होनी चाहिए। अब मैं ऑलरेडी मेरे ऑलरेडी वो कहना जब कई बार आप गेम खेल रहे होते हो, कोई वीडियो वगैरह खेल रहे होते हो, आप एक जगह एक स्टेज में ऐसे फंस जाते हो जो आप बार बार क्लियर करना चाहते हो, कोई होती नहीं है, बट कई बार होता है ना एक एंड पे, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल एंड पे आके आप प्लेयर मर जाता है, तो आप कितना अफसोस होता है। तो वही मेरे साथ हुआ है, मेरा वॉच टाइम भी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका था, बट कि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मेरा वॉच टाइम कम होना शुरू हो गया है। सो गाइस आप लोग मेरी हेल्प करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखो ताकि मेरा वॉच टाइम फटाफट पूरा आ जाए। हो जाएगा, मेहनत करेंगे और करेंगे, हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा, बट ये गलत बात है। हम इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब को सोचना चाहिए कि ना का काटे, जो रेगुलर करते हैं उनको 1.5 साल कर दे, हाँ जो रेगुलर नहीं डालते उनको चाहे 1 साल भर की पॉलिसी बंद डालना चाहिए, 2 पॉलिसी होनी चाहिए, बट गलत बात है भाई। मैं इतने स्ट्रेस में आ गया था ना कि मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा, एक्सरसाइज करते करते मेरे को इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि मैंने सोचा चलो कहीं, मेरा मन ही नहीं करता करके, मैं कहा चलो कहीं लॉन्ग करके आते हैं। वैसे मैंने जाना है तो आज थर्सडे है, संडे को मैंने लॉन्ग राइड पे जाना ही जाना था, बट इतनी स्ट्रेस हो गया था ना, वैसे स्ट्रेस मैं लेता नहीं हूँ, बट इतना स्ट्रेस हो गया था ना कि मैं कहा चलो, मेरा पहले दिमाग में ना यही गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का ही चल रहा था पहले से, मैं पहले भी आना चाहता था, तो मैंने कहा चलो आज यहीं होके आते हैं। ये मेरे को कहा 600-650 किलोमीटर पड़ जाएगा अप डाउन, और मेरे को आके मेरे घर जाना है, घर जाने के बाद फिर मेरे को आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल घर जाएंगे वापस शाम रात को, तो परसों व्लॉग एडिट करूँगा, परसों डालूंगा, संडे को सुबह मेरे को फिर लॉन्ग राइड के लिए निकल रहा है, और वो लॉन्ग राइड बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबी लॉन्ग राइड है। चलो कोई नहीं, अभी चलते चलते ना मेरे से ना गलती से लाइट बंद हो गई, मैंने भी आज पहली बार एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी है। मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये इसकी लाइट इतनी तेज़ है, ये देखो आगे बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं दिख रहा, ये देखो कितनी तेज़ लाइट है यार इसकी, बुलेट की,
लोग अपनी बाइकों पे लाख लाख रुपए की लाइटें लगा रहे हैं, इसकी खुद की बुलेट की लाइट जो कितनी तेज है। देखो फिर बंदे दिखा, ये देखो आगे एक मामला खड्डा आ गया, ये देखो कितनी तेज है इसकी लाइट। जस्ट ऐसी गलती मेरे हो गया, मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है रास्ता, ओह ओह ये तो अंकल ने नहीं बताया था कि रास्ता भी ख़राब है, उन्होंने कहा था यहाँ से शॉर्टकट है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, मेरा गुरुद्वारा साहब। पहले आ रहे पार्किंग ढूंढते हैं, पार्किंग कहाँ है, पार्किंग है ये री पार्किंग। सो गाइस अभी बजे हैं रात के 1:22 हो गए हैं, मैं पूरी रात ही सोया, मतलब कल सुबह 5 बजे जागा पड़ा मुझे, सोया नहीं बिकॉज मेरे को यहाँ करना है स्नान, क्योंकि सुबह 2 बजे हैं 1:22 हुए हैं, सुबह 2 बजे दरबार साहब खुल जाएगा, मैं सुबह दर्शन करने हैं तो पहले स्नान करना पड़ेगा। और मैं आपको थोड़ा इस गुरुद्वारे के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर ना गुरु तेग बहादुर साहब, सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर आए थे, और इस गुरुद्वारे की ऐसी मान्यता है ना कि यहाँ पर अगर आप अब मतलब कि सच्चे मन से यहाँ पर सरोवर में स्नान करते हो ना, आपकी कोई भी बीमारी हो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो अब मेरे को स्नान करना है तो पहले हम चलेंगे यहाँ पर, वहाँ पर पहले टूटियाँ लगी हैं, वहाँ पहले वहाँ स्नान करेंगे फिर उसके बाद सरोवर में करेंगे। सो गाइस अभी लाइट यहाँ बहुत कम है, मैंने ना स्नान कर लिया है, अब 2 बजे हम जाएंगे दरबार साहब मथा टेकने। यहाँ बहुत शांति है, बड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, कोई देख लेगा ना तो बहुत डांटेगा क्योंकि अलाउड नहीं है पर शूट वो करना। भेजे सुबह के 3:30 प्रसाद करवाना है, तो गाइस यहाँ पर होगी हल्की हल्की सुबह, पंजाब की ना सुबह की बात ही निराली है, हल्की हल्की ठंड है। मैं ना वहाँ से सुबह 4:30 निकल गया था क्योंकि अभी जाऊँगा, मेरे को नींद बहुत आ रही है, जाऊँगा जाके सोऊँगा, उसके बाद उठ के फिर वीडियो एडिट करनी है, फिर कल वीडियो डालनी भी है याली, ऊपर से सुबह फिर हमें निकलना है लॉन्ग राइड पे। और जो हमने पावर बैंक साथ लेके आए थे वो शायद मैं चार्ज करना भूल गया, तो उसने सिर्फ एक ही बार मोबाइल चार्ज करा डिस्चार्ज हो गया, तो मैं जरा शूट नहीं कर पाऊँगा वीडियो क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ 40% बैटरी रह गई है, पूरे रास्ते शूट हो नहीं पाएगी। अभी 200 किलोमीटर दिल्ली हम अम्बाला पहुँचने वाले हैं, तो याद आपको बीच में कहीं कोई चीज़ बतानी होगी तो बात तो फुल शूट करूँगा, नहीं तो दिल्ली जाके मिलेंगे हम लोग। ये है करनाल की कर्ण लेक, मन कर अभी मैं छलांग मार दूँ तो तैरना आता है, बट ये कि जैसे करंट बहुत फ्लो बहुत तेज है, अच्छा करंट बहुत तेज है, वो घूम रही है यहाँ पर, ठंडा पानी होगा बहुत इसका मज़ेदार। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, देखो कितनी क्या बुरियाँ लगता है, अभी भी घर पहुँच मैं, मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना रास्ते में, इतनी नींद आ रही थी 50 पारी तो मैं गिरते गिरते बच जाऊँ बिकॉज मैं 2 दिन सोया नहीं हुआ। सो गाइस जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे ना मेरे लॉन्ग राइड के, उसमें ना कुछ सस्पेंस रहेंगे बहुत सारे, देखना जरूर मज़ा बहुत आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि गाइस मेरे वॉच टाइम रह गया थोड़ा सा, उसको कंप्लीट करें, मेरी हेल्प करो प्लीज़ गाइस। सो गाइस सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।